हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल, योर डिजिटल लीगल स्टूडियो। एंड आई एम योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह। डेली हिंदू न्यूज एनालिसिस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज 30 नवंबर 2021 के दिन हिंदू न्यूज एनालिसिस को शुरू करते हैं। पहली जो खबर है दैट इज फ्रॉम फार्म लॉज, पार्लियामेंट क्लियर फार्म लॉज रिपील बिल विदाउट अ डिबेट। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इतने लंबे समय से जो किसानों का आंदोलन चल रहा था देश में, एक अराजकता का माहौल था, तो कल पार्लियामेंट ने, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से जो माफ़ी मांगी थी और कहा था कि मैं कुछ लोगों को फार्म लॉज के बारे में समझाने में नाकामयाब रहा हूं, तो इसलिए हम इन फार्म लॉज को विंटर सेशन में जो है रिपील कर देंगे। तो अपने वादे के मुताबिक सरकार ने कल इन फार्म लॉज को रिपील कर दिया है। लेकिन इसको लेकर एक इशू ये उठ रहा है कि अपोजिशन ने कहा है कि सरकार ने अवॉइड कर दिया है डिस्कशन को और बिना किसी डिस्कशन के इन फार्म लॉज को रिपील कर दिया है। इसको लेकर अपोजिशन के मेंबर्स ने बहुत शोर भी मचाया कल पार्लियामेंट में। तो खबर की तरफ देखते हैं। द फार्म लॉज रिपील बिल, दैट इज रिपील बिल 2021 वॉज पास बाई बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऑन मंडे विदाउट अ डिबेट एमिड प्रोटेस्ट बाई अपोजिशन एम पीज ऑन बींग डिनाइड अ डिबेट। अपोजिशन लीडर हैड एक्सप्रेस एप्रीहेंशन इवन बिफोर द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी BAC मीटिंग्स ऑफ बोथ हाउसेज दैट द गवर्नमेंट वुड वॉन्ट टू क्लियर द बिल विदाउट द डिस्कशन। नो कंसेंसस ऑन अ डिस्कशन वॉज रीच्ड बाई द BAC मीटिंग्स। तो अपोजिशन को पहले से ही अंदेशा था कि गवर्नमेंट विदाउट डिस्कशन इन बिल्स को रिपील करना चाहती है, लेकिन हुआ भी ऐसा ही। तो इसको लेकर अपोजिशन के जो MPs थे उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया। और तो जो फाइनल कटआउट निकल कर ये आता है कि ये जो फॉर्म लॉज थे जिसकी वजह से देश में इतने लंबे समय से एक असहमति का माहौल बन रहा था, इन फॉर्म लॉज को कल रिपील कर दिया गया। तो चलते हैं अगली खबर, दैट इज़ फ्रॉम द न्यू वेरियंट ऑफ कोरोना। ओमिक्रॉन पॉजेस अ वेरी हाई ग्लोबल रिस्क। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दोबारा भी कहा है द हैविली म्यूटेड ओमिक्रॉन कोरोना वायरस वेरियंट इज लाइकली टू स्प्रेड इंटरनेशनली एंड पॉजेस अ वेरी हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन सजेस्ट दैट कुड हैव सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज। तो WHO कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, की ये जो म्यूटेशन बहुत जल्दी करता है, अपने आप को ट्रांसमिट बहुत जल्दी करता है एंड कैन क्रिएट अ सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द ह्यूमन हेल्थ। तो इसको लेकर यहाँ पर WHO कह रहे हैं द ओवरऑल ग्लोबल रिस्क रिलेटेड टू न्यू वेरियंट इज SSY एज वेरी हाई। तो जो ओवरऑल ग्लोबल रिस्क है दैट इज़ वेरी हाई रिलेटेड टू द ओमिक्रॉन वायरस। तो इस न्यूज़ के बारे में जितना भी कुछ नई स्टडी या नई रिसर्च आती है तो हम उसको कवर करते रहेंगे। अभी भी स्टेट गियर अप फॉर अ न्यू प्रोटोकॉल्स, स्टेट अक्रॉस द कंपनी हैव सिक्योर टू इंप्लीमेंट द टेस्टिंग ट्रेसिंग एंड क्वारंटाइन फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स फ्रॉम अ फ्यू कंट्रीज वेयर द ओमिक्रॉन वेरियंट ऑफ द कोरोना वायरस हैड बीन रिकॉर्डेड। जैसा कि हमने कल भी देखा है कि जो इंटरनेशनल ट्रैवल है वो अपनी ट्रैवलर्स हैं जो अपनी RT-PCR को रिपोर्ट को नेगेटिव रिपोर्ट को अपलोड करेंगे, उसके बाद जब वो आएंगे यहाँ पर हमारे यहाँ पर तो दोबारा से उनका टेस्ट होगा, रिजल्ट तक दे विल वेट। उसके बाद अगर वो नेगेटिव आते हैं तो वो जाएंगे अपने आप को 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन करेंगे और 8वें दिन फिर दोबारा उनका टेस्ट होगा। तो गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को लेकर बहुत एहतियात बरत रही है। आगे जो भी न्यूज़ आएगी कवर करते रहेंगे। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो दैट इज़ रिलेटेड टू द क्रिप्टो करेंसी। जैसा कि भारत सरकार पहले ही क्लियर कर चुकी है कि क्रिप्टो करेंसी में हम जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको बैन करेंगे। भारत सरकार का जो एटीट्यूड रहा है टूवर्ड्स क्रिप्टो करेंसी की दे आर नॉट इंटरेस्टिंग, अर्लियर दे वर नॉट इंटरेस्टिंग इन रेगुलेटिंग द क्रिप्टो करेंसी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई थी तो और भारत सरकार ने देखा कि भारतीयों का बहुत रुझान है क्रिप्टो करेंसी की तरफ, तो उन्होंने सोचा कि इसको रेगुलेट करते हैं। तो इस बार देर आर टोटल 29 बिल्स पेंडिंग इन पार्लियामेंट फॉर डिस्कशन फॉर विंटर सेशन। तो उसमें से एक क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बिल भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। मीनवाइल भारत सरकार ने कहा है द गवर्नमेंट डज नॉट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रांजेक्शन्स इन द कंट्री। तो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हैं गवर्नमेंट के पास उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, गवर्नमेंट ऐसे डाटा को ट्रेस नहीं करती है एंड हैज़ नो प्लान्स टू रिकॉग्नाइज बिटकॉइन एज अ करेंसी, और गवर्नमेंट का कोई प्लान भी नहीं है बिटकॉइन को एज अ करेंसी रिकॉग्नाइज करने का। क्रिप्टो करेंसीज आर अनरेगुलेटेड इन इंडिया, अभी अनरेगुलेटेड है एंड डज नॉट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन देयर ट्रेडिंग। और गवर्नमेंट कहती है कि अभी अनरेगुलेटेड करेंसी है और इनकी ट्रेडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट भी नहीं करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी सेड इट प्लान्स टू इंट्रोड्यूस अ बिल टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत जल्दी एक बिल लाने वाली है। इट माइट पॉसिबली बैन ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज एंड फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। तो गवर्नमेंट जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज उनको बैन करेगी और ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बनाने के ऊपर ये लोग विचार कर रहे हैं, राइट। तो चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली जो न्यूज़ है हमारी वो आती है स्पेस सेक्टर की तरफ से, कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर। अभी क्या है कि इंडिया में स्पेस सेक्टर की तरफ अगर हम देखते हैं जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन निकल के आता है वो आता है ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
लेकिन अगर हम वेस्ट की तरफ देखते हैं तो वेस्ट की तरफ देखने में हम एक नया ट्रेंड देखने को मिलता है। नासा इज ऑलरेडी देयर, लेकिन वहां पर एलोन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, वो भी अच्छा काम कर रही है। तो इस पूरे के पूरे आर्टिकल का जो लाइक इंक्लिनेशन है, दैट इज टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस डोमेन एंड द कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस फील्ड। कि लाइक अगर हमने अभी तक इस तरीके से नहीं देखा है कि हम स्पेस फील्ड का कमर्शलाइजेशन कर सकते हैं, हालांकि इसरो अभी भी काफ़ी काम कर रहा है। लाइक वो दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को लाइक कैरी करता है, उनको ले जाता है पृथ्वी की कक्षा में ले जाता है और वहां पर उनको स्थापित करने में मदद करता है। उसके लिए इसरो दूसरे देश से चार्जेस भी लेता है, राइट। लेकिन केवल कमर्शियलाइजेशन यहाँ तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रह सकता ना कि आप दूसरों के लिए लाइक एक कमर्शियल व्हीकल बन जाए। तो यहाँ पर ये कहा है कि हमें अपनी पॉलिसीज और लाइक कुछ ऐसा फ्रेमवर्क, कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना चाहिए ताकि प्राइवेट प्लेयर्स और जो प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं जो स्पेस के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, उनको लाइक एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिले और हम नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करें और स्पेस के फील्ड से भी हम अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो राजेश मेहता और उदेश गोयल का एक आर्टिकल है, चलिए इसको देखते हैं। द स्पेस रेस इज ऑन अगेन, बट दिस टाइम प्राइवेट प्लेयर्स आर नॉट ऑन द पावर फील्ड टू टेक द नेक्स्ट लीप फॉर मैनकाइंड एंड डेमोक्रेटाइज स्पेस यूजेस टू बिल्ड कमर्शियल वैल्यू। तो यानी कि लैक ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इन द स्पेस फील्ड, इंडिया इज अ वेरी मार्जिनल प्लेयर। लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन नोन एज इन स्पेस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसको इन स्पेस के नाम से जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो इसमें देख सकते हैं आप, इसका वर्ड है स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, यानी कि वो प्रमोट करने वाले हैं स्पेस के फील्ड को और ऑथराइजेशन देंगे। देखते हैं इसमें क्या होता है। विच इज़ अ सिंगल विंडो नोडल एजेंसी है एस्टेब्लिश टू बूस्ट द कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन स्पेस एक्टिविटीज़। और ये इन स्पेस क्या करेगा, कमर्शलाइजेशन करेगा स्पेस एक्टिविटीज़ का। ए सप्लीमेंट टू द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप ये मानकर चलिए इट विल सपोर्ट द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ मिलकर ये एजेंसी काम करने वाली है इन स्पेस। प्रमोट्स द एंट्री ऑफ नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज NGPs, राइट, नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज को प्रमोट करेगा। आइए स्पेस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। लाइक द एजेंसी विल ऑल्सो फैसिलिटेट अ स्विफ्ट ऑन बोर्डिंग ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इन द सेक्टर थ्रू एनकरेजिंग पॉलिसीज, मतलब इस तरह की कुछ पॉलिसीज बनाएगी ताकि प्राइवेट प्लेयर्स जो हों इस तरफ अट्रैक्ट हों। फ्रेंडली रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, और जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट होगा, रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना। तो ऐस जो कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट, अगर मैं इसको डायरेक्ट लेवल लैंग्वेज में बात करूं, मतलब आप ऐसी सुविधाएं प्रदान करने वाले हैं प्राइवेट प्लेयर्स को ताकि वो स्पेस सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो, उसमें इन्वेस्ट करें, इनोवेशन करें और लाइक एक बहुत बड़ा कमर्शलाइजेशन फील्ड हम तैयार कर लें और इंडियन जो स्पेस फील्ड है, इंडियन जो स्पेस डिपार्टमेंट है, वो भी लाइक ग्लोबल लेवल पर अपनी जो उपस्थिति है उसको दर्ज कराए। तो एक ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है थ्रू इन स्पेस इन द सेक्टर थ्रू द एनकरेजिंग पॉलिसीज इन अ फ्रेंडली रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बाय क्रिएटिंग सिनर्जीज थ्रू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेसेसरी फैसिलिटीज। तो यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेसेसरी फैसिलिटीज हैं उनको थोड़ा सा लाइक और लीनियंट कर दिया जाएगा, कुछ बेहतर एनवायरनमेंट दिया जाएगा, बेहतर फैसिलिटीज दी जाएगी, लाइसेंसिंग वगैरह के जो नॉर्म्स हैं, इशू हैं, उनको थोड़ा रिलैक्स किया जाएगा ताकि जो प्राइवेट प्लेयर हैं इस तरफ आए। उसके बाद दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया इज अ लीडिंग स्पेस फेयरिंग कंट्री विच विद एंड टू एंड एंड कैपेबिलिटीज। क्या है कि इंडिया इज अ लीडिंग स्पेस फेयरिंग कंट्री, इसका मतलब ये है कि इंडिया जो दूसरे देश हैं उनके सैटेलाइट्स को लेकर जाता है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, और उसके लिए इंडिया चार्ज भी करता है। लेकिन हमें इस डोमेन में रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहना कि लीडिंग स्पेस फेयरिंग कंट्री बनकर रहना है, हमें इससे आगे भी बढ़ना है। और एंड टू एंड कैपेबिलिटीज़ भी हैं हमारे पास, लाइक हम सैटेलाइट्स भी बनाते हैं, लॉन्च व्हीकल्स भी बनाते हैं, हम डिप्लॉय भी करते हैं इंटरप्लेनेटरी मिशंस को। उसके बाद चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं हम। अनदर एस्पेक्ट टू थ्रो लाइट ऑन इट द एक्सटेंसिव ब्रेन ड्रेन इन इंडिया विच इज इंक्रीज 85% सिंस 2005। जी हाँ, एक्सटेंसिव ब्रेन ड्रेन। तो क्या आता है कि लाइक जो जीनियस लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, जो लाइक अच्छे अच्छे टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, IITs से पढ़े हैं, जो इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो वो हमें नहीं देखने को मिलते हैं हमारे पास। उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओवरसीज बहुत सारी हैं, तो वो वहाँ पर चले जाते हैं क्योंकि उनको उतना तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं मिलता ताकि वो अपने टैलेंट का बेस्ट यूज़ कर पाएँ। और ये जो ब्रेन ड्रेन है 2005 के बाद से, ये तो और ज़्यादा बढ़ गया। इट अमाउंट्स टू 85% सिंस 2005। दिस कैन बी लिंक्ड टू द बॉटल नेक इन पॉलिसीज विच क्रिएट हिंड्रेंस। अब ये क्यों हो रहा है लाइक ब्रेन ड्रेन, देर इज सो मैनी लाइक हर्डल्स, कुछ इस तरह के
लाइक लॉज हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइवेट स्पेस वेंचर एंड फाउंडर्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर मेकिंग इट वर्चुअली नॉन फीजिबल टू ऑपरेट इन इंडिया। तो कुछ जो प्राइवेट स्पेस वेंचर्स हैं, कुछ ऐसे स्टार्टअप हैं जो कंपनीज हैं लाइक प्राइवेट कंपनीज हैं वो स्पेस में कुछ करना चाहती हैं, तो उनको हमारे जो लॉज हैं, हमारे जो लाइक फ्रेमवर्क्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को वो इस तरह का नहीं पाते कि लाइक वो अट्रैक्ट हो सकें, उनको लाइक इसमें बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आप जानते हैं कि लाइक दिस इज़ द इन द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग, जहाँ पर उसको ज़्यादा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट लाए, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है तो वो उस तरफ भागते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें अपने कुछ लॉज को चेंज करना पड़ेगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा, अपने कुछ गाइडलाइंस और रूल्स इस तरीके के बनाने पड़ेंगे ताकि जो लोग वाकई इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, हम उनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रदान कर सकें। करंटली अ रिपोर्ट ऑन लीडिंग न्यूज़ पोर्टल सेज दैट द रीज़न फॉर द लैक ऑफ इंडिपेंडेंट प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन स्पेस इंक्लूड्स द एब्सेंस ऑफ फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी एंड द क्लैरिटी ऑफ लॉज। तो यहाँ पर लॉज में भी क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, उतना फ्रेमवर्क भी लोगों को नहीं मिल पाता, तो वही सारे रीज़न इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद लाइसेंस एंड लाइबिलिटी में देखते हैं। अनदर क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ स्पेस लॉ इन इंश्योरेंस एंड इंडेमनिफिकेशन क्लैरिटी। तो इंश्योरेंस और इंडेमनिफिकेशन क्लैरिटी से भी रिलेटेड इशूज आते हैं कि अगर कल को कोई मिसहैप हो जाए, पर्टिकुलरली अबाउट वो और विच एंटिटी अंडरटेक द लाइबिलिटी इन केस ऑफ मिसहैप, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो कौन सी एंटिटी और कौन सा डिपार्टमेंट उसकी जिम्मेदारी लेगा। इन सेवरल वेस्टर्न कंट्रीज विद एन इवोल्व प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री देर इज अ कैप ऑन लाइबिलिटी एंड द फाइनेंशियल डैमेजेस दैट नीड टू बी पेड। जो प्राइवेट लाइक कंपनीज हैं वेस्टर्न में और दूसरी देशों में जो लाइक स्पेस में एक्सेस रखती हैं और स्पेस प्रोग्राम्स चलाती हैं, उनके लिए वहाँ पर लाइक लाइबिलिटी कैप है, फाइनेंशियल डैमेजेस के लिए उनको वहाँ पर हेल्प मिल जाती है। इनफैक्ट स्पेस ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड इंश्योरेंस ऑफ अप टू $100 million अंडर ऑस्ट्रेलियन स्पेस लॉ। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन स्पेस लॉ का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ऑस्ट्रेलियन स्पेस लॉ में क्या है, जो वहाँ पर स्पेस ऑपरेटर होते हैं दे आर रिक्वायर्ड टू होल्ड इंश्योरेंस, कितने तक का $100 million, $100 million का लाइक इंश्योरेंस उनको रखना पड़ता है फॉर सच टाइप ऑफ मिसहैपनिंग्स इन केस अगर ऐसा कुछ होता है। तो हमारे यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है। हाउएवर टू क्रिएट वैल्यू इंडियन स्पेस प्राइवेट कंपनीज नीड टू जनरेट देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर एन इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट और सर्विस। तो लाइक इसके लिए यहाँ पर बात थोड़ा सा किया गया है कि लाइक इंडियन जो स्पेस प्राइवेट कंपनीज हैं उनको थोड़े से अपने IPR भी डेवलप करने चाहिए, अपने कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट डेवलप करने चाहिए जहाँ पर वो उनका IPR होल्ड कर सके, दैट इज़ रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो मैच्योर स्पेस एजेंसी सच एज नासा का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ऑफ यूनाइटेड स्टेट, और चाइना की है चाइनाज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी CNSA, एंड रशिया की कौन सी है रोस्कॉम्स स्टेट कॉरपोरेशन फॉर स्पेस एक्टिविटी सीक सपोर्ट फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स। तो ये जितनी भी लाइक देशों की बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, चाइना की हो, रशिया की हो, या ना आपकी USA की हो, वो प्राइवेट प्लेयर्स से हेल्प लेती हैं, सीक सपोर्ट फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर सच एज बोइंग, SpaceX, एलोन मस्क की एंड ब्लू ओरिजन फॉर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन बियॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट। मतलब ये जितने भी बड़े बड़े देश हैं और जितनी भी लीडिंग स्पेस एजेंसीज ग्लोबल लाइक ऑन द ग्लोबल लेवल हैं, लाइक नासा हो गई, चाइना की हो गई, रशिया की हो गई, उनको भी अपने कॉम्प्लेक्स मिशंस के लिए प्राइवेट प्लेयर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे SpaceX की लेते हैं, बोइंग की लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है बियॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट के अलावा सच एज सेंडिंग क्रू एंड सप्लाइज टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अगर उनको सप्लाई भेजनी है, क्रू को भेजना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, तो भी प्राइवेट प्लेयर्स उनकी हेल्प करते हैं। दीज कंपनीज हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द स्पेस सेक्टर बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड टर्न अराउंड टाइम विद इनोवेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। अभी जितनी भी कंपनीज है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ अलग नहीं किया, इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जिससे कॉस्ट कम आती है, टाइम कम लगता है, तो जिससे बहुत ज़्यादा इस सेक्टर में लाइक अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगी है। फॉर सच पर्पज नासा एंड द CNSA अवार्ड अ पार्ट ऑफ देयर एनुअल बजट टू प्राइवेट प्लेयर्स। और लाइक ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट प्लेयर्स को, ये नासा और जो चाइना की स्पेस एजेंसी है वो भी प्राइवेट प्लेयर्स को सपोर्ट करती है। कैसे करती है, अपने बजट में से कुछ परसेंट वो प्राइवेट प्लेयर्स को भी देती है। अंटिल 2018 SpaceX वॉज द पार्ट ऑफ 30 मिशन ऑफ नासा गेटिंग ओवर $12 billion अंडर कॉन्ट्रैक्ट। तो लाइक 2018 तक जो SpaceX है एलोन मस्क की, वो नासा के 30 मिशन्स में उसकी हेल्प कर चुकी है और उसके लिए उसको $12 billion भी मिले हैं, $12 billion भी नासा की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट में उसे दिए गए हैं। इंडिया करंटली स्टैंड ऑन द कस्प ऑफ बिल्डिंग अ स्पेस इकोसिस्टम एंड विद इसरो बीइंग द गाइडिंग बॉडी इंडिया कैन नाउ इवॉल्व एज अ स्पेस स्टार्टअप हब फॉर द वर्ल्ड। अब देखिए, हमारा जो इसरो है ना, वो सबसे किफ़ायती है दुनिया में, ठीक है, और लाइक इसरो की इमेज ऐसी है इंटरनेशनल लेवल पर कि अगर इसरो कुछ कर रहा है
तो बाकी सारी कंट्रीज 98.9% श्योर रहती हैं कि अगर इसरो कर रहा है तो सक्सेसफुल हो जाएगा। हमारी इमेज बहुत अच्छी है, हमारी गुडविल इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छी है, इसलिए बहुत सारे कंट्रीज हमारे पास आते हैं कि हमारे सैटेलाइट को लॉन्च कर देना, एक साथ बहुत सारे सैटेलाइट ले जाने का भी रिकॉर्ड इसरो के नाम है। तो यानी कि हम हर तरीके से तैयार हैं, बस एक हमें एक अच्छी विल पावर चाहिए और उसमें लाइक हमें अपने रूल्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऐसा करना है कि लाइक प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आए, क्योंकि टैलेंट की हिंदुस्तान में कमी नहीं है, राइट गाइज। तो यहाँ पर ये दोनों ऑथर्स ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा अगर इस तरफ सोचे तो यहाँ भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऑलरेडी 350+ स्टार्टअप सच एज अग्निकुल, कॉस्मोस, स्काई रूट टेक्नोलॉजीज, ध्रुवा स्पेस एंड पिक्सल हैव एस्टेब्लिश्ड फर्म ग्राउंड्स फॉर होम ग्रोन टेक्नोलॉजी विद अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब ऑलरेडी हमारे पास कुछ ऐसे स्टार्टअप भी हैं, 350 के करीब हैं, जिसमें फेमस अग्निकुल हो गया, स्काई रूट हो गया, ध्रुवा हो गया, पिक्सल हो गया, जो इस तरफ काम कर रहे हैं। However, to continue the growth engine, investor need to look up to the sector as the next new age boom and ISRO needs to turn into the enabler from being a supporter. अब यहाँ पर जो investors हैं वो देख रहे हैं कि इस sector में बहुत ज़बरदस्त boom आ सकता है अगर investment किए जाए। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ISRO अब enabler की भूमिका से निकल कर बाहर आए। अभी तो enabler है कि हम आप क्या help कर देंगे अभी, और from being a supporter like इसने कहा है कि जो ISRO है turn into an enabler from being a supporter, तो माफ कीजिएगा कि इसरो जो है वो सपोर्टर की भूमिका में से निकलकर बाहर आए, अब अनेबलर बन जाए। अनेबलर का मतलब लोगों को चीज़ें अनेबल करवाए, ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा लाइक उन लोगों को ऐसा लेवल लाइक प्रोवाइड करवाए, जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनकी हेल्प, मतलब सपोर्ट तो इसरो करता रहे, लेकिन अब उसको अनेबलर की भूमिका में आना पड़ेगा, लीडर की भूमिका में आना पड़ेगा, आगे बढ़ के लीड करना पड़ेगा इन स्टार्टअप्स को, अगर हम चाहते हैं कि लाइक इस सेक्टर में भी हमें एक बूम देखने को मिले और यहाँ से भी हम ज़बरदस्त रेवेन्यू जनरेट करें। और जो जितनी भी वर्ल्ड लेवल पर अच्छी अच्छी स्पेस एजेंसीज हैं जो मैनकाइंड के लिए काम कर रही हैं, लाइक नासा हो गया, चाइना की होगी, रशिया की होगी, ठीक है गाइस, क्योंकि अंतरिक्ष किसी एक का नहीं है, ये जितना भी स्पेस है ये सबका है, राइट। तो इस तरीके से हमें अपने सेक्टर में थोड़े से डेवलपमेंट की आवश्यकता है, और बहुत थोड़े डेवलपमेंट में ही हम आगे जा सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ, दैट इज़ इंडियन ओरिजिन प्राग अग्रवाल टू रिप्लेस डॉर्सी एज अ ट्विटर CEO। तो जो ट्विटर के CEO हैं डॉर्सी, उनको रिप्लेस कर रहे हैं प्राग अग्रवाल। इंडियन ओरिजिन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव प्राग अग्रवाल was appointed the new chief executive officer of Twitter after the social media giant's co-founder Jack Dorsey stepped down on Monday। तो Jack Dorsey जो है resign दे दिया, उनकी जगह पर प्राग अग्रवाल को नया CEO बनाया गया। Mr. अग्रवाल joined the Twitter 10 year ago when there were fewer than 1000 employees। तो पिछले 10 साल से Mr. जो प्राग अग्रवाल हैं वो CEO, उन्होंने Twitter को join किया था, Twitter में पिछले 10 साल से हैं और अब उनको ट्विटर का CEO बनाया गया है। एंड IIT बॉम्बे एलुमनस ही जॉइंड द कंपनी इन 2011। IIT बॉम्बे से आते हैं, तो इस खबर में केवल इतना ही था। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की, जिसमें अथर एक जाना माना नाम है। तो अथर कमीशन सेकंड प्लांट इन तमिलनाडु, तो यूनिट टू हेल्प मीट ई स्कूटर डिमांड्स। इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर मार्केट अथर एनर्जी ऑन मंडे सेड इट हैड कमीशन इट्स सेकंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया इन होशूर तमिलनाडु टू cater to the increased demand for its 450X and 450+ scooters। तो अथर जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में सबसे आगे चल रहे हैं फिलहाल, और इसकी बहुत डिमांड है। और अथर एनर्जी जो है वो अपना सेकेंड प्लांट लगाने जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कहाँ पर? तमिलनाडु में। अथर एनर्जी हैड सेटअप इट्स फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट होशूर अर्लियर दिस ईयर। यहाँ पर इन्होंने पहली लगाई थी होशूर में, तमिलनाडु में। द कंपनी सेड इट वुड बी इन्वेस्टिंग ₹650 crore ओवर द नेक्स्ट 5 years टू एनहेंस ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी टू मीट द एक्सपोनेंशियल सर्ज इन डिमांड। तो इसमें केवल इंपॉर्टेंट आपका ये था कि लाइक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में अथर एक जाना माना नाम है, इन्होंने अपना पहला प्लांट भी होशूर तमिलनाडु में लगाया था, दूसरा प्लांट भी 650 करोड़ रुपए का ये यहीं पर लगाने वाले हैं। तो राइट, आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो अब आजकल आपने बहुत सुना होगा कि लाइक कास्ट बेस्ड सेंसस की बहुत डिमांड हो रही है। अभी लाइक उत्तर प्रदेश से जो समाजवादी पार्टी हैं उसके जो मुखिया रहे हैं मुलायम सिंह यादव, उनके सुपुत्र मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने घोषणा की है अगली बार अगर जनता हमें ले आती है सत्ता में तो हम कास्ट बेस्ड सेंसस करवाएंगे। तो ये क्या है, किस तरीके से होगा, इसको एक बार देख लेते हैं। सो द स्टोरी सो फार, द समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव हैज प्रोमिस्ड टू कैरी आउट अ कास्ट सेंसस इफ हिज पार्टी इज वोटेड टू पावर इन द उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन इन नेक्स्ट ईयर, अगर वो सत्ता में आते हैं तो। This is the demand of several other political parties including the Bharatiya Janata Party, Bihar Rally, the Janata Dal United led by Nitish Kumar, वो भी यही चाहते हैं, उसके अलावा बहुत सारी parties भी ये चाहती हैं।
But in an affidavit filed in the Supreme Court on September 23 this year, the union government categorically ruled out the concluding the socio-economic caste census. Union government ने socio-economic caste census करवाने से मना कर दिया, stating that a caste census, except that for scheduled caste and scheduled tribe done traditionally. यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि भैया एससी और एसटी के कास्ट सेंसस को छोड़कर वो दूसरे कास्ट सेंसस करवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, एंड इट इज नॉट फीजेबल कि इस तरीके का ये कास्ट सेंसस करवाया जाए, बिकॉज इट इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफिकल्ट एंड कम्बरसम. तो प्रशासनिक तौर पर ये बहुत ही मुश्किल काम है और इसमें आप लाइक 100% रिजल्ट यील्ड नहीं कर सकते. इसके बहुत सारे इशूज हैं, चैलेंजेस हैं, उसके बारे में बात करेंगे. द गवर्नमेंट एफिडेविट वॉज इन रेस्पॉन्स टू द रिट पिटिशन बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट सीकिंग डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कलेक्ट डाटा ऑन बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन. अब ये एफिडेविट क्यों दिया गया था, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक पिटिशन लगाई थी कि सेंटर से हमें कुछ गाइडलाइन चाहिए कि लाइक हमें डाटा कैसा कलेक्ट करना है बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स का रूरल इंडिया में ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ 2021 सेंसस, कि 2021 का जो सेंसस होने वाला है उसमें बैकवर्ड क्लासेस का डाटा कैसे इकट्ठा करना है, इसकी गाइडलाइन हमें सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डालकर कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से गाइडलाइन मिलनी चाहिए. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एफिडेविट लगा दिया इसमें. दिस पिटिशन वाज वांटेड टू सेंटर टू डिस्क्लोज द रॉ कास्ट डाटा ऑन अदर बैकवर्ड क्लासेस कलेक्टिंग ड्यूरिंग 2011. और इस पिटिशन में यह भी कहा गया था कि सेंटर है ना वो डिस्क्लोज करे कास्ट डाटा को जो लाइक 2011 के कास्ट बेस्ड सेंसस में जो उन्होंने लाइक कलेक्ट किया था. राइट गाइस, तो पहले भी बहुत सारी सरकारों के ऊपर दबाव बनाया गया कि आप इस डाटा को डिस्क्लोज कीजिए, किसी भी सरकार ने आज तक इसको डिस्क्लोज नहीं किया. हमेशा वो ये कह देते हैं कि लाइक अगर हम इसको डिस्क्लोज करेंगे तो इस डाटा में ऑलरेडी बहुत सारे फ्लॉज हैं और ये डाटा ऑथेंटिक बिल्कुल भी नहीं है. उसके बाद व्हाट इज द सब्सटेंस ऑफ सेंटर्स एफिडेविट. द गवर्नमेंट एफिडेविट कवर्स 3 डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सेंसस इशू एज रिफ्लेक्टेड इन द रिट पिटिशन. तो अब इसको ध्यान से देखिएगा. यहाँ पर इट फर्स्ट एक्सप्लेन वाई इट कैन नॉट मेक पब्लिक द कास्ट डाटा कलेक्टिंग अंडर द SECC 2011 सेंसस, क्यों नहीं वो उसको पब्लिक कर सकते. देन इट आर्ग्यूड दैट द जुडिशरी कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू कंडक्ट कास्ट सेंसस. और फिर उन्होंने ये भी कहा अपने एफिडेविट में कि न्यायपालिका हमें ये आदेश नहीं दे सकती कि आप कास्ट सेंसस कीजिए, इसके बारे में भी उन्होंने बताया. एंड फाइनली, और क्यों नहीं कर सकती इंटरफेरेंस विद द गवर्नमेंट पॉलिसी. अगर न्यायपालिका ऐसी करती है तो इसको कहेंगे कि जो जुडिशरी है दैट इज इंटरफेयरिंग विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्योंकि इस तरह के जो लाइक सेंसेस होते हैं दे आर अंडर द गवर्नमेंट पॉलिसीज और उसके लिए जुडिशरी उनको लाइक डायरेक्ट नहीं कर सकती है, कोई गाइडलाइन नहीं दे सकती है, ऑर्डर नहीं दे सकती. एंड फाइनली इट एलोबरेट्स ऑन वाई इट इज नीदर प्रैक्टिकल नॉर एडमिनिस्ट्रेटिवली फिजिबल टू अटेम्प्ट अ कास्ट सेंसस. और तीसरा जो उन्होंने अपने एफिडेविट में बताया है कि क्यों ये बहुत मुश्किल है प्रशासनिक तौर पर गवर्नमेंट के लिए और फिजेबल नहीं है कास्ट बेस्ड सेंसस करना. तो इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलेंगे. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द डाटा कलेक्टेड अंडर SECC 2011 में, जो पुरानी सरकार ने UPA की सरकार ने जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस डेटा का क्या स्टेटस है, वो रिवील क्यों नहीं किया गया आज तक. इन इट्स एफिडेविट द गवर्नमेंट एक्नॉलेज दैट द SECC 2011 कास्ट डाटा of 130 crore Indians have been with the Ministry of Social Justice. और ये जो डाटा है किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के पास, ड्यू टू फ्लॉज इन द डाटा. डाटा में बहुत सारी गलतियाँ हैं. इट वॉज डिसाइडेड टू फॉर्म एन एक्सपर्ट कमेटी हेडेड बाई द देन वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. तो इन्होंने प्लान किया था कि एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाते हैं जिसके लाइक हेड कौन होगा, वाइस चेयरमैन होंगे नीति आयोग के अरविंद पंगारिया. बट सिंस अदर मेंबर्स ऑफ द कमेटी वर नॉट नेम्ड. लेकिन चेयरमैन का तो नाम दिया उन्होंने, कमेटी के दूसरे मेंबर्स का नाम नहीं दिया. तो कमेटी ना तो कभी बनी, ना कमेटी कभी बैठी, ना उस पर कोई एक्शन लिया गया. द फ्लॉज इन द डाटा स्टेम प्राइमरली फ्रॉम द फैक्ट दैट द नो रजिस्ट्री ऑफ कास्ट वाज प्रिपेयर्ड बिफोर कंडक्टिंग द 2011 कास्ट सेंसस. इन्होंने सबसे पहले कहा कि कोई भी नो रजिस्ट्री ऑफ कास्ट, जो सेंसस करने से पहले कुछ जरूरी चीजें करनी पड़ती हैं जिसमें रजिस्ट्री ऑफ कास्ट को भी उनको तैयार करना था कि भैया कितनी कास्ट है, कितनी कास्ट कहाँ कहाँ पर वो लोग रहते हैं इस स्टेट में, ऐसा कोई भी तैयारी पहले से नहीं की गई थी. दिस रिजल्टेड इन अ मिस्टेक बाय इन्यूमरेटर्स हु स्पेल द सेम कास्ट इन डजन्स ऑफ डिफरेंट वेज. और इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी गलतियाँ हुई. लाइक क्या होता है, लोकल डायलेक्ट होता है, जो लोग कास्ट बेस्ड सेंसस करते हैं उन्होंने एक ही कास्ट को अलग अलग नाम से पुकारा. लाइक क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में एक कास्ट को कई नामों से आप जान सकते हैं. राइट, यहाँ पर किसी कास्ट को कुछ कहते हैं, लाइक सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल क्या लें, लाइक ब्राह्मण कास्ट है, लाइक कोई ब्राह्मण कह रहा है, कोई बामन कह रहा है, ठीक है, कोई पंडित जी कह रहा है, बहुत मतलब किसी भी कास्ट में बहुत सारे नाम हो सकते हैं. तो ये सब लोगों ने अलग अलग तरीके से उस कास्ट का नाम लिया और वो एक सेम कास्ट की बहुत सारी कैटेगरीज बना दी. राइट,
तो ये समस्या सबसे बड़ी उनको फेस करनी पड़ी। आगे देखते हैं, विद नो कंसिस्टेंट वे टू एग्रीगेट द सेग्रीगेट सेम और सिमिलर कास्ट विद वेरियंट स्पेलिंग्स, कुछ भी ऐसा नहीं था सिमिलर कास्ट को जब इतनी जगह आपने लिख दिया गया कोई, लाइक द नंबर ऑफ कास्ट कैटेगरीज बेलून्ड इन महाराष्ट्र फॉर इंस्टेंस, और इस हिसाब से महाराष्ट्र में जो कास्ट कैटेगरीज थी अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके लिए कहा है कि एग्जिस्टिंग एससी एसटी एंड ओबीसी कैटेगरीज एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्डिंग ओनली 494, और गवर्नमेंट के हिसाब से 494 एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरीज हैं महाराष्ट्र में 494, लेकिन जब ये कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ बट द 2011 कास्ट सेंसस यील्ड 428,677 कास्ट, 428,677 राइट गाइस कास्ट, मतलब ये 494 428,627 में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि आप एक ही कास्ट को बार बार अलग नाम से एज पर लोकल डायलेक्ट लिखते जा रहे थे, कोई सिमेट्री नहीं थी, लाइक आपने उसके लिए कोई होमवर्क ऑलरेडी नहीं किया था। ये सारे होमवर्क होने चाहिए थे ना कि एक कास्ट को एक पर्टिकुलर स्टेट में कितने नामों से जाना जाता है, हो सकता है एक कास्ट को एक ही नाम से जाना जाता हो, एक कास्ट को 10 नामों से जाना जाता हो, 50 नामों से जाना जाता हो। तो इस तरीके से ये कास्ट 494 से 428,627 तक पहुंच गई। वाइल द स्टेट पॉपुलेशन वाज 10.3 करोड़, अबाउट 1.17 करोड़ वर फाउंड टू बी ऑफ नो कास्ट, 1.17 करोड़ लोग ऐसे मिले जिनकी कोई कास्ट नहीं थी। ऑल्सो 99% ऑफ द कास्ट इन्यूमरेटर हैड अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 100%। एट द नेशनल लेवल वेयर द टोटल नंबर ऑफ कास्ट एज पर द लास्ट सेंसस ऑफ 1931 वाज 4,147 नेशनल लेवल पर, जो 1931 का सेंसस हुआ था उसके हिसाब से नेशनल लेवल पर 4,147 कास्ट है। द एस सी सी 2011 शोड द प्रेजेंस ऑफ 46 लाख डिफरेंट कास्ट, तो यानी कि 1931 में जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से हिंदुस्तान में 4,147 कास्ट थी, 4,147 जातियां थी, लेकिन जो 2011 का SEC 2011 हुआ कास्ट बेस्ड सेंसस उसके हिसाब से हिंदुस्तान में लगभग 46 लाख डिफरेंट कास्ट हैं, 46 लाख। तो ये तो देखकर ही डाटा को ऐसा लगता है कि फ्लोज नहीं है, तो पूरा का पूरा फ्लोज है, इसमें तो बहुत सारी गड़बड़े हैं, कितने तेजस्वी लोग थे जिन्होंने ये किया था। तो सिंस द टोटल नंबर कैन नॉट बी एक्सपोनेंशियली हाई टू दिस एक्सटेंट द गवर्नमेंट हैज सेड द एंटायर डाटा इज फ्लोड एंड द सेंसस अनरिलायबल, सारा डाटा फ्लोड है और फर्जी है और सेंसस जो है अनरिलायबल है, इस पर विश्वास नहीं कर सकते, अनयूजेबल फॉर द पर्पज ऑफ रिजर्वेशन एंड पॉलिसी, और इस डाटा के ऊपर आप रिजर्वेशन और पॉलिसी नहीं बना सकते। तो पहले सवाल का जवाब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया क्यों नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद कहा है कि वाई विल कास्ट नॉट बी काउंटेड अलॉन्ग विद द रेगुलर 2021 सेंसस, कि आप 2021 का जो सेंसस होने वाला है उसके साथ कास्ट काउंटिंग क्यों नहीं कर सकते, इसका क्या कारण है। द गवर्नमेंट हैज साइटेड न्यूमरस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल एंड द लॉजिस्टिक रीजन टू आर्ग्यू दैट द कलेक्टिंग कास्ट डाटा ड्यूरिंग 2021 सेंसस इज अनफीजेबल एंड अटेम्प्टिंग इट, ये अनफीजेबल अगर हम ऐसा करते हैं तो कुड एंडेंजर द सेंसस एक्सरसाइज इटसेल्फ, तो अगर हम ये करते हैं तो इसके साथ साथ जो हम जनगणना कर रहे हैं सेंसस कर रहे हैं वो भी खतरे में पड़ जाएगी, उसका भी डाटा जो है आपको उतना ऑथेंटिक नहीं मिलेगा, बहुत सारी गड़बड़े उसमें हो जाएंगी, राइट। सेंसस एक्सरसाइज इटसेल्फ इट बिगिंस बाय पॉइंटिंग टू द डिफरेंस इन द कास्ट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लिस्ट, वाइल द सेंट्रल लिस्ट कंटेन 2479 ओबीसी कास्ट, सेंट्रल लिस्ट में 2497 ओबीसी कास्ट है, देयर वर 3150 ओबीसी कास्ट एज पर द लिस्ट ऑफ ऑल द स्टेट, और स्टेट के हिसाब से 3150 ओबीसीज है एंड यूनियन टेरिटरीज टेकन टुगेदर, इफ अ कास्ट रिलेटेड क्वेश्चन इज इंक्लूडेड इट वुड रिटर्न 1000 ऑफ कास्ट, यानी कि क्या है सरकार ये कह रही है अगर हमने वो जो सेंसस हम करने जा रहे हैं सर्वे जो हम करेंगे सेंसस के लिए उसमें हम एक ऐसा क्वेश्चन डालते हैं क्वेश्चनेयर में कि भैया आपकी जाति क्या है, आप कौन सी जाति से हैं, तो आपको हजारों की संख्या में जातियां देखने को मिलेंगी, इट वुड रिटर्न 1000 ऑफ कास्ट, क्योंकि पीपल यूज देयर क्लैन गोत्रा सब कास्ट एंड कास्ट नेम इंटरचेंजेबली। अब क्या होता है कि कुछ लोग अपने गोत्र को अपने कास्ट को इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं अपने नाम के पीछे, एक पर्टिकुलर कास्ट है, समझिए एक कास्ट है, राइट एक कास्ट है, अगर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरा नाम है लक्ष्य कुमार सिंह, जो मैं डॉक्यूमेंट में लिखता हूँ, मैं अपना सरनेम नहीं लगाता हूँ, अपना कास्ट नेम नहीं लगाता हूँ, तो इस हिसाब से कई लक्ष्य कुमार इज द कास्ट हो जाएगी, उसके बाद कहीं जगह सिंह लिखा हुआ है सिंह कास्ट, ये सब जनरल नेम है, उसके बाद कभी मैं अपना नाम लिख लूँ या मेरी जो कैटेगरी जो मेरे सरनेम है जो मेरी जाति है उस जाति के लोग जो अपना गोत लिखते हैं उसके हिसाब से वो तीसरे कास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर हम कास्ट का क्वेश्चन क्वेश्चनेयर में ऐड कर लेंगे तो उस हिसाब से क्या होगा
कि लोगों की बहुत सारी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हमें नई जातियां देखने को मिलेगी, क्योंकि लोग अपना गोत्र का नाम, अपना सरनेम, अपना सब कास्ट नेम, अपना कास्ट नेम, अपना क्लैन नेम इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं, तो इसलिए ठीक नहीं होगा। सिंस न्यूमरेटर्स आर पार्ट टाइम विद 6.7 डेज ट्रेनिंग एंड नॉट एन इन्वेस्टिगेटर और अ वेरीफायर द एफिडेविट स्टेट्स, इट वुड बी डिफिकल्ट टू मीनिंगफुली टेब्यूलेटेड एंड क्लासिफाई कास्ट रिटर्न्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो रीजन दिया है वो बहुत ही वैलिड और स्ट्रॉन्ग रीजन है। सेकेंडली, द प्रिपेटरी वर्क फॉर अ सेंसस स्टार्ट्स 3 to 4 years। किसी भी सेंसस को करने के लिए जो उसकी जो तैयारियाँ करनी पड़ती हैं वो 3-4 साल पहले शुरू कर देनी पड़ती हैं। एज फॉर द सेंसस नाउ डिलेड टू 2022 इंस्टेड ऑफ 2021 ड्यू टू पैंडेमिक, और अब ये जो सेंसस होना था वो 2022 में होगा पैंडेमिक की वजह से। जो क्वेश्चनर है वो ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुका है, सारी तैयारियां की जा चुकी हैं, अब दोबारा से उसकी पूरी रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी अगर हम कास्ट को उसमें लेकर आते हैं। तीसरा कारण क्या था? थर्ड, अनलाइक इन कास्ट ऑफ SC and ST, देर इज अ नो कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट फॉर द रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर इंडिया टू प्रोवाइड द सेंसस फिगर ऑफ OBC एंड BCC। तो कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है जो SC ST को लेकर, उस तरह का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन और मैंडेट नहीं है कि OBC और बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी आप इस तरह का लेकर आए। एंड लास्टली, एफिडेविट ने क्या किया, 2014 का सुप्रीम कोर्ट का एक रेफरेंस देते हैं जजमेंट का, कि जजमेंट सेटिंग असाइड 2 orders ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के 2 orders को सेट असाइड किया था, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा था, डायरेक्ट द सेंटर टू कंडक्ट अ कास्ट सेंसस। मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप कास्ट बेस्ड सेंसस कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को खारिज कर दिया मद्रास हाई कोर्ट के। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसी ऑर्डर का रेफरेंस लिया है कि माय लॉर्ड्स, आप पहले से ही इस तरीके के कास्ट बेस्ड सेंसस को खारिज कर चुके हैं। एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, व्हाट इन्फॉर्मेशन टू कलेक्ट इन अ सेंसस इज अ पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, कि किसी भी जनगणना में, सेंसस में आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जनता से, जनता के बारे में, ये सारा का सारा पॉलिसी डिसीजन है और ये इसको सरकार लेती है, राइट। पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, एंड वाइल द कोर्ट मे फाइंड अ सर्टेन पॉलिसी अनटेनेबल, इट वाज लीगली इम्परमिसेबल फॉर द कोर्ट टू डिक्टेट द गवर्नमेंट व्हाट पॉलिसी इज ऑट टू फॉलो। और कोर्ट ने यहाँ पर कहा था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कि सरकार किस तरह की पॉलिसी बनाती है जनता के लिए, तो ये कोर्ट के लिए दिस इज नॉट गुड कि कोर्ट डायरेक्ट करे सरकार को, आप इस पॉलिसी को इस तरीके से बनवाइए या बनाइए, यानी कि ये एक डायरेक्ट इंटरफेरेंस हो जाएगा जुडिशियरी का गवर्नमेंट में। तो कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जनगणना जो होती है दैट इज डिपेंड ऑन द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, कौन से क्वेश्चन आपको ऐड करने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको ऐड नहीं करने हैं। तो ये एक पूरा आर्टिकल था, तो पूरी 3 questions के साथ हमने इसमें डील किया जो एफिडेविट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कहा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो ये एक पूरी खबर है जिसमें आपने देखा होगा एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील की बात हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन डे पर, जस्टिस एनवी रमन्ना बैठे थे, सॉलिसिटर जनरल श्री वेणुगोपाल, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे उसमें। तो जो जो हमारे श्री वेणुगोपाल जी ने ये कहा था कि एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील होना चाहिए जुडिशरी के बर्डन को कम करने के लिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील होना चाहिए, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट के पास है ना वो टोटली प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ की अपील्स जाएं और सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा समय मिले, सुप्रीम कोर्ट का बर्डन कम हो और सुप्रीम कोर्ट बहुत बेहतर बेहतर जजमेंट इस देश को दे सके। तो नेशनल कोर्ट ऑफ अपील का मतलब यस, नॉट अ कोर्ट ऑफ अपील्स एवरीडे अपील्स, ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा गया है छोटा सा कि सुप्रीम कोर्ट के पास कितना काम होता है, यहाँ पर नेशनल कोर्ट ऑफ अपील के बारे में बताया। तो मैंने इसको स्प्लिट करके अलग अलग स्लाइड पर लिखा है, तो एक बार देख लेते हैं हाउ द एपेक्स कोर्ट वर्क, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है। एवरी वीक हर हफ्ते द कोर्ट स्पेंड 3 days इन फाइनल हियरिंग्स ऑफ केसेस, फाइनल हियरिंग पर 3 दिन लगाता है। 2 other days आर मेंट फॉर द एडमिशन ऑफ फ्रेश केसेस, जिनको स्पेशल लीव पिटिशन कहते हैं, 2 दिन उनके लिए सुरक्षित है। इन एन इनवर्स पिक्चर टोटल बेडलम टेक्स ओवर द कोर्ट, ईच बेंच ऑफ 2 judges हैज बिफोर टू इट 60 to 70 cases, मतलब 2 judges की एक बेंच के सामने 60 से 70 cases होते हैं। द हियरिंग ऑफ ईच केस लास्ट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, और जो हर केस की जो हियरिंग होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है, कपल ऑफ अ मिनट और लेस बिफोर द जज डिसाइड वेदर टू एडमिट और डिसमिस इट, और जजेस उसको डिसाइड भी करते हैं इस पर्टिकुलर केस को हमें एडमिट करना है या डिसमिस करना है, ये सुनने लायक है या नहीं है। तो इसमें यहाँ पर आपको ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट कितना व्यस्त रहता है। ए सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द 4 days ऑफ इंडियन सीनियर मोस्ट जजेस दस गोज इन टू द जस्ट डिसाइडिंग विच केस शुड जॉइन द अपील्स डॉकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ 4 days,
ऑफ इंडिया सीनियर मोस्ट जजेस, जो इंडिया के सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका लाइक 4 दिन वो केवल इसी चीज में लगाते हैं कि कौन से केस को सुप्रीम कोर्ट का अपील डॉकेट ज्वाइन करना चाहिए, मतलब अपील में ले लेना चाहिए। बींग टास्क विद द फिल्टरिंग प्रोसेस इज अ वेस्ट ऑफ द टाइम, और ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है इसमें काफी वेस्ट होता है। एक्सपीरियंस इन द विजडम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, तो लाइक टॉप मोस्ट जजेस हैं जिनको लाइक जजमेंट डिलीवरी और इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और या क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिस्कस करना चाहिए, वो उनका जो लगभग हफ्ते में से 4 दिन का समय तो इसी चीज़ में चला जाता है कि कौन से केस को एडमिट करना है, कौन से केस को नहीं करना है। तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इतना व्यस्त क्यों है, क्यों जुडिशरी इतनी ओवरबर्डन है। तो इस पूरे के पूरे पैसेज से तो यही निकल कर आता है कि नेशनल कोर्ट ऑफ अपील का लाइक ये जो आइडिया कॉइन किया गया है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद फ्यू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, सो दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय द करंट रिलेटिव पॉसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, दीज आर फॉर्म्ड बाय द ग्रुपिंग 5 or more judges टू डिसाइड मेजर क्वेश्चन ऑफ लॉ, 5 या 5 से ज्यादा जज जब किसी मेजर क्वेश्चन ऑफ लॉ को, बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ उनके सामने आ जाता है तो उसको डिसाइड करने के लिए 1960 में क्या हुआ, द कोर्ट डिड मच ऑफ द लॉ मेकिंग थ्रू सच बेंचेस। मतलब 1960 तक क्या था कि कोर्ट जो लॉ मेकिंग करता था इन्हीं बेंचेस के थ्रू करता था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के, जिसमें 5 या 5 से ज्यादा जज होते थे। ओवर द ईयर एज दैट नंबर हैज ड्विंडल्ड, अब ये कम हो गया इस तरह का सिनेरियो जहाँ पर लाइक मेजर लाइक कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस मेजर क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिस्कस करती है। दीज नंबर टेल अ टेल विच इज वरीसम, द केस यूनिक टू द कोर्ट आर नॉट गेटिंग हर्ड, इंक्लूडिंग इश्यू ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, राइट ऑफ माइनॉरिटीज, द राइट टू प्राइवेसी, गवर्नेंस एंड वैलिडिटी ऑफ द स्टैट्यूट्स, अनदर कंसर्न। अब धीरे धीरे ये लाइक नंबर कम होता जा रहा है, पहले लाइक 1960 का जो डिकेड था, दशक था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के थ्रू बहुत सारे लाइक मेजर क्वेश्चन ऑफ लॉज डिस्कस करने को होते थे, बहुत सारे नए नए लाइक जुडिशियल इन्वेंशन के थ्रू हमें फ्रीडम्स मिली, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो, राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड हो, फ्रीडम से रिलेटेड हो, माइनॉरिटी से रिलेटेड हो। तो धीरे धीरे ये नंबर गिरता चला गया, क्यों चला गया, क्योंकि लाइक जुडिशियली ओवरबर्डन होती चली गई। अनदर कंसर्न अराइजेज व्हेन केसेस ऑफ इम्पोर्टेंस आर डेल्ट विद बाई जस्ट कपल ऑफ जजेस, बहुत इंपॉर्टेंट केसेज भी लाइक जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को एडजुडिकेट करना चाहिए उसको लाइक कोई डिवीजन बेंच कर रही है, कपल ऑफ जजेस मतलब 2 जजों की बेंच कर रही है। फॉर लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, लार्जर बेंचेस ब्रिंग मोर जुडिशियल थिंकिंग टू एन इशू, जी हाँ इसमें डाउट नहीं है, जब लाइक लार्जर बेंच होती है, बहुत सारे जजेस होते हैं उसमें, तो लाइक वो बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, तो बेहतरीन चीज़ हमें देखने को मिलती है, एक अच्छा जजमेंट हमें देखने को मिलता है। अ बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड अ ग्रेटर अथॉरिटी टू द रूलिंग ऑफ द कोर्ट। अनदर की कंसर्न इज दैट द एक्सेस ऑफ जस्टिस, अ वास्टली डिस्प्रोपोर्शनेट परसेंटेज ऑफ अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट कम फ्रॉम दिल्ली एंड इट्स नेबरिंग स्टेट, फॉर दोज बियॉन्ड द कोर्ट सीम्स आउट ऑफ रीच। मतलब जो ज़्यादा हमें अपील्स देखने को मिलती है वो कहाँ से मिलती है, लाइक सुप्रीम कोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा लीजिए हरियाणा लगा लीजिए, दिल्ली से लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश लगा लीजिए, पंजाब लगा लीजिए, उसके अलावा लाइक हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश थोड़ा सा उत्तराखंड लगा लीजिए, मतलब जिनकी रीच में, जिन लोगों की रीच में सुप्रीम कोर्ट इजीली आ सकता है 1 day travel में या 6 or 7 hours के ट्रैवल में। लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं हिंदुस्तान में जिनको सुप्रीम कोर्ट अच्छी लाइक सुप्रीम कोर्ट पहुंचना, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जजमेंट एक्सेस करना जिनके लिए केवल एक ड्रीम ही बनकर रह जाता है, राइट। तो ये भी एक मेजर कंसर्न है। द आंसर इज टू क्रिएट द इंटरमीडिएट कोर्ट्स ऑफ अपील, तो इन सारी की सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें एक इंटरमीडिएट कोर्ट ऑफ अपील बनाना पड़ेगा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में होगा, राइट। अभी तो क्या है कि लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, अभी ऐसा होने वाला है कि लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर कोर्ट ऑफ अपील, देन सुप्रीम कोर्ट। द आंसर इज टू क्रिएट इंटरमीडिएट कोर्ट ऑफ अपील वेयर द सीनियर जजेस कैन डील विद दीज केसेस, जो सीनियर जजेस होंगे उसमें बैठेंगे, गिविंग दैम द टाइम एंड द कंसिडरेशन दे डिजर्व, जितना टाइम और कंसिडरेशन उनको चाहिए उतना वो देंगे। दीज नीड टू बी लोकेटेड एट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जी हाँ बिल्कुल, लाइक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, इधर गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, हर जगह देश में मतलब 5, 10, 15 ऐसे कोर्ट होने चाहिए ताकि लोग एक्सेस कर सकें, लोगों को न्याय मिल सके। लाइक दे कैन बी मैन बाई सीनियर जजेज रिटायरिंग फ्रॉम द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से जो रिटायर हो गए 62 years की एज में वो वहाँ पर एज अ जज बैठ सकते हैं। दिस कोर्ट ऑफ अपील विल सिग्नल द फुल स्टॉप टू सिविल एंड द क्रिमिनल लिटिगेशन एट लार्ज, वी कैन दस रिस्टोर द सुप्रीम कोर्ट टू व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेज, मतलब सुप्रीम कोर्ट को हम वैसा बना सकते हैं दोबारा जो कॉन्स्टिट्यूशन चाहता था, टू डिसाइड द वेटी इशूज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज विद अप्रोप्रिएट जज स्ट्रेंथ एंड गिव द जजेज द टाइम एंड द अपॉर्चुनिटी टू डू देयर बेस्ट इन द केसेज
विच मैटर मोस्ट ऑल ऑफ अस। तो कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जो बर्डन को है उसको हर तरीके से कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि जो जजेज हैं उनका जो क्वालिटी टाइम है वो लाइक ऐसे मुद्दों की तरफ जाए जिससे लाइक एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके, संविधान की सुरक्षा हो सके और जो लोगों का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उनको बचाया जा सके। राइट गाइज, तो नेशनल कोर्ट ऑफ अपील की क्या रिक्वायरमेंट है बेसिकली, और नेशनल कोर्ट ऑफ अपील इस देश में क्यों होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का बर्डन कैसे हल्का होगा, और लाइक केसेस को क्वालिटी टाइम और केसेस को क्वालिटी कंसिडरेशन जजेस कैसे दे सकते हैं, उसके बारे में ये एक आर्टिकल था। अब आगे चलते हैं, नोट अ कोर्ट ऑफ एवरीडे अपील्स, नोट अ कोर्ट ऑफ एवरीडे अपील्स सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया है। ये श्रुति पार्थ सारथी ने ये लिखा है। मच एज जस्टिस फ्लेक्स फ्रैंकफर्टर वंस सेड द यूएस सुप्रीम कोर्ट, इंडिया सुप्रीम कोर्ट टू इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ कोर्ट। उन्होंने कहा था कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी स्पेशल काइंड का कोर्ट है, वो बहुत विशिष्ट न्यायालय क्यों है। इट इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ कोर्ट बिकॉज इट एक्ट एज अ फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। जी हाँ, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, इसके बाद कहीं अपील नहीं लगती। इट्स डिसीजन लाइक प्रेजिडेंट वाले केसेज अलग है जहाँ पर अपील होती है। इट डिसीजन आर डिटर्मिनेटिव, इट्स प्रोनाउंसमेंट कॉन्स्टिट्यूट द लॉ ऑफ द लैंड। जी हाँ, लाइक जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं उनसे बहुत सारे लाइक नए लॉज सामने निकल कर आते हैं, प्रेसिडेंट सामने निकल कर आते हैं। एंड इट एक्ट एज द अल्टीमेट आर्बिटर ऑफ द डिस्प्यूट कंसर्निंग एनी इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन से लेकर अगर कोई मुद्दा खड़ा होता है तो फाइनल इंटरप्रेटर सुप्रीम कोर्ट को ही कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और एक बार भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, भारतीय संविधान के किसी भी लाइक प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन कर दे तो उस इंटरप्रिटेशन को हम लोग फाइनल मानते हैं। इस देश में कोई नहीं है जो उस इंटरप्रिटेशन को नकार सके। सो एन ऑफ्ट रिपीटेड सजेशन एम्ड एट करेक्टिंग दिस परसीव इम्बेलेंस इन द एपेक्स कोर्ट्स रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कोर्ट ऑफ अपील दैट वुड एक्ट एज एन इंटरमीडिएट फोरम बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द वेरियस हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब क्या है कि एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील जो बनेगा वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में, लाइक सुप्रीम कोर्ट इज द टॉप कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में एक ऐसा माहौल तैयार करेगा। बेसिकली हाई कोर्ट से जो अपील सुप्रीम कोर्ट के लिए जाएंगी वो नेशनल कोर्ट ऑफ अपील तक पहुंचेंगी, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील इनका फैसला करेगा, और सुप्रीम कोर्ट तक केवल वही चीज़ जाएंगी जहां पर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस पर लेना अति आवश्यक हो गया, सुप्रीम कोर्ट की राय इस पर्टिकुलर केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कोई बहुत ही मेजर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, लाइक फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है उससे जुड़ा हुआ कोई मामला है, यानी कि एक फिल्टर के तौर पर काम करेगा नेशनल कोर्ट ऑफ अपील। उसके बाद PIL initiated by Chennai based lawyer demanding the establishment of such national court of appeal, Chennai based lawyer उन्होंने PIL लगाई थी। The court not only ordered notice to the Union of India but also proposed to refer question of law concerning the establishment such of court to constitution bench of 5 judges. According to its proponents the NCA यानी कि National Court of Appeal which would be headquarter in New Delhi, New Delhi में इनका headquarter होगा, एंड विच वुड हैव डिफरेंट रीजनल ब्रांचेस, मतलब पूरे देश में अलग अलग रीजनल इनकी ब्रांचेज होगी। देखिए इंडिया का मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, क्षमा कर दीजिएगा मुझे, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, भावनाएं समझिए। तो लाइक न्यू दिल्ली में हाई लाइक हेडक्वार्टर होगा और देश में अलग अलग स्थानों पर इनकी बेंच होंगी, राइट, रीजनल बेंच होंगी, ठीक है। हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली एंड विच वुड हैव डिफरेंट रीजनल बेंचेज वुड रिलीव द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द वेट ऑफ हियरिंग रेगुलर सिविल एंड क्रिमिनल अपील्स। तो सुप्रीम कोर्ट के बर्डन को भी कम करेगा सिविल और क्रिमिनल अपील्स, लाइक जो सुनता है सुप्रीम कोर्ट डेली बेसिकली। सो ग्रेटर एक्सेस टू लिटिगेंट्स, लिटिगेंट्स को लाइक एक्सेस मिलेगा, एक्सेस टू जस्टिस मिलेगा नेशनल कोर्ट ऑफ अपील के थ्रू। बट क्वाइट कॉन्ट्रेरी टू व्हाट हैज बीन सजेस्टेड द फोकस ऑट टू बी नॉट ऑन अल्टरिंग द कोर स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशियरी बट इन एमिंग टू मेक मोर प्रैग्मेटिक चेंजेस। तो प्रैग्मेटिक चेंजेस के लिए हैं, बेसिकली डेवलपमेंट के लिए हैं, जुडिशरी का लाइक स्ट्रक्चर अल्टरनेट करने की बात नहीं हो रही है। ब्रॉडली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द सुप्रीम कोर्ट टू टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के दो तरह के जुरिस्डिक्शन होते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और अपीलेट जुरिस्डिक्शन जिसमें वो अपील सुनता है। द कोर्ट वॉज देयर फॉर ऑलवेज सेंट टू मियरली एन आर्बिटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट बट ऑल्सो ए प्लीनरी बॉडी दैट वुड सेटल द लॉ ऑफ द लैंड। जी हाँ, पहली एक ऐसी बॉडी है और इंपॉर्टेंट बॉडी है जो लॉ ऑफ द लैंड से रिलेटेड इशू यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इशू को सुनती है, एडजुडिकेट करती है। असेंबली बिलीव द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिलीव दैट द कोर्ट वुड एक्सरसाइज ग्रेट डिस्क्रिशन इन चूजिंग इट्स ओन स्कोप ऑफ वर्क। जी हाँ, अपना खुद का लाइक स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा वो सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है। दैट द कोर्ट हैज टूडे यूज द प्लेबिलिटी ऑफ इट्स पावर टू ग्रांट स्पेशल लीव often interfere in the mundane dispute of therefore not a product of any structural problem but rather a deliberate decision of the court's judges।
लाइक हाँ लाइक स्पेशली पिटिशन से कहा गया कि लाइक जहाँ कोर्ट को ये लगता है कि इस पर्टिकुलर मैटर को सुनना चाहिए, इस पर्टिकुलर मैटर की कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है, तो दैट इज टोटली अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट. बॉटम अप अप्रोच नीडेड. वॉट द नेशनल कोर्ट ऑफ अपील मीन टू डू देयर फोर कैन क्वाइट इजिली बी अचीव बाई स्ट्रेंथनिंग द लोअर जुडिशरी. अब देखो जो इसमें एक चीज़ ये कही है कि अगर आप नेशनल कोर्ट ऑफ अपील को लाना चाह रहे हैं कि लाइक सुप्रीम कोर्ट का बर्डन कम हो जाए, सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो आपको अपने रूट लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर जो कमियां निकल के आ रही हैं उनको ठीक करना पड़ेगा. कैसे करना पड़ेगा? देखो कोई भी केस कहाँ से शुरू होता है, बेसिकली इन 90% केसेस लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल से होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. तो यहीं पर यह बात कही गई है, व्हाट द एनसीए इज मेंट टू डू देयरफॉर कैन क्वाइट इजी बी अचीव्ड बाय स्ट्रेंथनिंग द लोअर जुडिशरी. आप लोअर जुडिशरी को थोड़ा सा मजबूत कीजिए. कैसे मजबूत कीजिए? लाइक आप वहां पर टैलेंटेड और एलिजिबल लोगों को बैठाइए, ऐसे लोग जो लॉ के बारे में जानते हो, विच जनरली कॉन्स्टिट्यूट द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस. टू अचीव दिस देयर मस्ट बी ए ग्रेटर रिगर इन चूजिंग अवर जजेस. तो हमारे जो प्रणाली है जजों को लाइक चूज करने की, इलेक्ट करने की, लाइक उनका सिलेक्शन की, लाइक पीसीएस जो होता है, सिविल सर्विस जुडिशियल होता है, हायर जुडिशियल सर्विस होती है, एचजेएस, तो इनका ये इस तरह का कुछ टेस्ट होना चाहिए, इस तरह की इनकी क्वालिटीज होनी चाहिए, इन तरह की इनकी जॉब कंडीशंस होनी चाहिए कि आप क्वालिटी लोगों को आप लेकर आएँ, लाइक नॉट द क्वान्टिटी बट योर फोकस मस्ट बी ऑन द क्वालिटी. ठीक है, मोर एजुकेटेड लॉज लाइक पीपल, हायर एजुकेटेड पीपल जिन्होंने लाइक एक्सपीरियंस भी हो, जिन्होंने इस फील्ड में लंबे समय तक काम किया हो, अगर आप ऐसे लोगों को लोअर जुडिशरी में लेकर आते हैं तो बहुत हद तक आपकी ये समस्या जो जुडिशरी ओवरबर्डन है, क्योंकि लाइक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही फर्स्ट इंस्टेंस जो होता है, जहाँ पर लोग सबसे पहले अपना केस सबमिट करते हैं, उसी लेवल पर ही अगर उनको बेहतरीन न्याय मिलेगा तो ये जो अपील्स जाती हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, इसमें भी कमी देखने को मिलेगी. सो टू अचीव दिस देयर मस्ट बी अ ग्रेटर रिगर चूजिंग अवर जजेस. दिस वुड रिड्यूस द सुप्रीम कोर्ट बर्डन ऑफ एक्टिंग एज अ करेक्टर ऑफ द सिंपल एरर्स. कई बार हाई कोर्ट भी एरर कर देते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी एरर कर देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट लाइक इन्हीं एरर्स को ठीक करता रहेगा तो लाइक वो कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरे मुद्दों पर कब ध्यान देगा. ये कहा गया है, जस्टिस लेट नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट बट टू द लोअर जुडिशरी बिकम इवन मोर अपेरेंट इन डेटा दैट शो दैट देयर इज ओनली वन जज फॉर एवरी 73,000 पीपल इन इंडिया. मतलब ये एक स्टडी ने बताया कि लगभग 73,000 लोगों पर एक जज है हिंदुस्तान में. वॉट इज क्लियर इज दैट अवर जुडिशरी इज नॉट ब्रोकन बिकॉज ऑफ एनी डेफिशिएंसीज इन स्ट्रक्चर बट बिकॉज ऑफ फीबल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस लेवल का होना चाहिए वो हमारे पास नहीं है. इफ़ वी वर्क टूवर्ड एस्टेब्लिशिंग अ मोर रोबस्ट सबॉर्डिनेट जुडिशरी, अगर हम मजबूत सबॉर्डिनेट जुडिशरी बनाने में कामयाब रहे, इट वुड नॉट ओनली नेगेट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ पार्ट ऑफ मोर लिस्टिगेशन टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट बट ऑल्सो अलाउ इट इज पॉसिबली रिगेन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑर्डेन सेंस ऑफ मेजेस्टी. तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर इसमें यह भी बताया गया है नॉट अ कोर्ट ऑफ एवरीडे अपील आर्टिकल में, कि अगर हम अपनी लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और इनिशियल लेवल पर अपनी सबॉर्डिनेट जुडिशरी को मजबूत करते हैं, वहाँ पर ऐसे लोगों को बैठाते हैं लाइक जो योग्य व्यक्ति हो, जिनके पास उतना अनुभव हो, और लाइक नंबर ऑफ जजेस भी हम बढ़ाते हैं लेकिन इसके साथ क्वांटिटी बढ़ाने में हमें क्वालिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो इस तरह के नेशनल कोर्ट ऑफ अपील की हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी. जुडिशरी का बर्डन खुद ब खुद कम हो जाएगा जब क्वालिटी वाले लोग वहाँ पर बैठेंगे, एलिजिबल लोग वहाँ पर बैठेंगे, पढ़े लिखे एक्सपीरियंस लोग सबॉर्डिनेट जुडिशरी में होंगे. तो लाइक ये जो सिस्टम चलता है लाइक अपील सिस्टम, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें अपने आप में कमी देखने को मिलेगी. चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ. ये है थैंक यू स्लाइड. सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस न्यूज़ एनालिसिस. आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर द लॉजिकल स्टडीज, इंस्टा पर द लॉजिकल स्टडीज, जी मेल पर रहेगा द लॉजिकल स्टडीज @gmail.com, वेबसाइट है www.thelogicalstudies.com. गाइज प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबा देना. अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाइक शेयर कीजिए इस चैनल को. एंड थैंक यू वेरी मच. दिस इज योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे. सी यू टुमारो विद अ न्यू द हिंदू न्यूज़ वीडियो एनालिसिस. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.